ब्रो ये क्या ही देख लिया मैंने भाई, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में रूह कांप गई मेरी। वैसे तो आई एम नॉट एट ऑल अ हॉरर मूवी फैन भाई, मैं सुपर फट्टू, मतलब इतना कि अगर मैं गलती से कोई हॉरर मूवी देख लूँ ना, मेरे को चार दिन नींद नहीं आती है। बट मैंने कुछ दिन पहले देखा था शैतान का ट्रेलर एंड भाई माई माइंड वॉज लिटरली ब्लोन अवे। तो क्या इस मूवी ने मुझे डराया या फिर बहुत ही सॉलिड वाला डिसअपॉइंट किया, लेट्स फाइंड दैट आउट। तो स्टोरी शुरू होती है एक हैप्पी फैमिली से जिसमें चार लोग हैं, अजय देवगन और ज्योति का पेरेंट्स हैं और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये चारों लोग हॉलिडे मनाने अपने फार्म हाउस पर जाते हैं और वहां पर एक अननोन इंसान उनके घर आता है चार्जर मांगने के बहाने से, एंड अपेरेंटली वो ही शैतान है। अब ये बंदा कौन है और इस फैमिली से चाहता क्या है, क्यों उन लोगों को मारना चाहता है, कैसे आगे जाके उनकी बेटी को वश में कर लेता है और कैसे उससे डिफरेंट डिफरेंट स्केरी चीजें करवाता है, ये सारे सीन्स देखने में बहुत इंट्रीगिंग है और काफी पावरफुल भी। सो द शैतान इज प्लेड बाय आर माधवन और फैमिली की एल्डर डॉटर का कैरेक्टर प्ले किया है जानकी बोरीवाला ने। दिस मूवी इज एंटायरली बेस्ड ऑन हिप्नोटिज्म, जिसे हम वशीकरण भी कहते हैं। जो शैतान है वो समहाउ अपने ब्लैक मैजिक से जानकी को वश में कर लेता है एंड ऑब्वियसली उससे जानकी पोजेस हो जाती है। सो मच सो कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है एंड स्पेसिफिकली अपने भाई को मारने के पीछे लग जाती है। ऑल्सो शैतान जानकी को अपने साथ ले जाना चाहता है और ये भी बोलता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो पूरी फैमिली को मार देगा। और इसलिए यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी क्लीशेड लगी स्टोरी, बट एनीवे ऑब्वियसली द पेरेंट्स डोंट वांट देयर डॉटर टू गो विद हिम। बट वो क्या ही कर सकते हैं जब उनकी खुद की डॉटर एक्चुअली पूरे वश में है और उनके गले पे चाकू रख देती है। भाई मेरे को सच में बहुत गंदे गूज़बम्स आ रहे हैं फिर से, मानो या ना मानो इम्पैक्टफुल तो है भाई चीजें। सो नाउ द शैतान इज आउट, वो इवन जानकी के पेरेंट्स के सामने प्रूफ करता है कि सी देखो आपकी बेटी पे मैंने ब्लैक मैजिक किया एंड शी इज अंडर माय कंट्रोल, आई एम हर गॉड। एंड इन फैक्ट ही मेक्स हर गो टू द टेरेस एंड पुश हर ब्रदर फ्रॉम देयर। किसी को समझ नहीं आता भाई ये हो क्या रहा है और इससे छुड़ाया कैसे जाए पीछा। मतलब इस मूवी में आपको ब्लैक मैजिक और हिप्नोटिज्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, मैंने कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस करते हुए भी देखा है, बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। लेकिन कई बार ये पूरी सिचुएशन में आपको लगेगा कि यार शायद ऐसा हो सकता है, यू नो कहीं किसी पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा हो, यू नेवर नो। देखा फिर से घुस आ गया मेरे को। ये अच्छी बात है कि इट्स अ कम्प्लीटली नो नॉनसेंस मूवी, बहुत ही एक सीरियस और ट्रैजिक फिल्म है, बट आई स्टिल सजेस्ट यू कि आप इसको स्त्री या भूल भुलैया जैसी हॉरर कॉमेडीज के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। कुछ सीन्स तो लिटरली ऐसे हैं कि भाई सल्यूट करोगे आप इनकी क्रिएटिविटी को। एक्चुअली बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है जिससे देखने में एक्चुअल डर लगाओ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, द डर एक्चुअली कीप्स इंक्रीजिंग। तो ये मूवी एक्चुअली एक गुजराती फिल्म वश का हिंदी अडेप्टेशन है। वो मूवी एक्चुअली मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये वाली देख के ना मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो कैसी होगी। बहुत पर ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कि ये मूवी किसी और मूवी का रीमेक है तो हम ओरिजिनल वाली देखने के लिए इंट्रीग हो जाते हैं, बट वो हमें यहाँ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एवरी सीन एवरी कैरेक्टर एवरी डायलॉग इज सेम, एकदम एब्सोल्यूट रीमेक। एक चीज मेरे को और बहुत सही लगी, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी इन्होंने, क्या सही तरीके से पोर्ट्रे किया अपने ट्रेलर को। कहीं पे भी इन्होंने आर माधवन को पब्लिसाइज नहीं किया, वो तो आप मूवी देखने के बाद लोगों को पता चला कि वो एक्चुअल ब्लैक मैजिक करने वाला शैतान है कौन। सो इट वाज रियली गुड टू सी हाउ दे एक्चुअली केप्ट द होल सस्पेंस गोइंग। लेकिन जब आप माधवन का पूरा ऐसे कैरेक्टर अनफोल्ड रिवील होते हुए देखोगे ना स्क्रीन पे, तो आपको बहुत वियर्डली सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव कैरेक्टर माधवन ने कभी किया नहीं है, एंड एक्चुअली इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू वॉच हिम लाइक दैट। उनकी एक्टिंग और बहुत ही इंप्रेसिव वाला वॉइस मॉड्यूलेशन, इट्स रियली एन एडेड इंसेंटिव टू हिज एक्ट। मेरे हिसाब से ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। पता है मैंने जब ट्रेलर देखा था ना, वो एक डायलॉग जिसकी वजह से मुझे ये मूवी देखनी थी, दैट मतलब वो मेरे दिमाग में ऐसा बस गया था ना, मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, दिस डायलॉग एक्चुअली मेड मी वॉच दिस मूवी, नो किडिंग। इस पूरी मूवी के दौरान भाई मैंने इतने चिल्स फील किए ना, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, मतलब एक्सपीरियंस करो जाके, तुम्हें मजा आ जाएगा। और हाँ, इनफैक्ट ये जो बच्ची है जानकी जो पोजेस हो जाती है वश में, भी मेन कैरेक्टर इसी ने प्ले किया है, एंड हियर ऑल्सो शैतान में भी शी हैज डन अ रियली रियली गुड जॉब। एक तो कैरेक्टर इतना स्कैरी है प्लस द परफॉर्मेंस, कसम से मजा आ जाएगा आपको देखने में। एंड वेरी वेरी ऑनेस्टली सेइंग, अजय देवगन को यू विल सी जस्ट there as the part of the story, but you'll not see him shine as much, because not gonna lie, this movie ki puri like puri responsibility is on Janki and Madhavan's shoulders. In dono ne kya kaam kiya hai, matlab मजा आ गया देख के। बट हाँ, मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसमें आपको अजय देवगन बहुत इंप्रेसिव लगेंगे और बहुत आपको ऐसा झलक दिखाई देगी उनकी दृश्यम वाली, वो एक फैमिली मैन वाली इमेज की। सो ऑल फोर, जानकी, माधवन, अजय देवगन, ज्योतिका, एवरीबडी वॉज रियली गुड विद देयर कैरेक्टर्स।
मुझे तो लगता है शैतान बहुत इजीली अपनी ओरिजिनल मूवी वश से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि नोबडी रियली न्यू अबाउट वश, मुझे ही नहीं पता था उसके बारे में, बट नाउ आई थिंक एवरीवन विल। बट अभी इन लोगों को शैतान रिलीज करनी थी तो इन्होंने वश को सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, सो आई डोंट नो वो कब देखने को मिलेगी, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। एंड भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो क्या चार चांद लगाया पूरी मूवी में, आधा काम ज्वेल्स देने का तो बैकग्राउंड म्यूजिक ने ही है, मस्त एकदम, सुपर सुपर इम्पैक्टफुल। सो बीजीएम एंड सिनेमेटोग्राफी फुल मार्क्स। ओके आई क्विकली कंक्लूड दिस मूवी नाउ। सी डर आपको सॉलिड लगेगा, रोंगटे भी खड़े होंगे बहुत बार, अगर आप वीक हार्टेड हो आपको डर बहुत जल्दी लगता है, बीपी इश्यूज है, आई रियली डोंट थिंक दिस मूवी इज फॉर यू, बट इफ यू एक्चुअली एंजॉय हॉरर मूवीज, अप्रिशिएट अ गुड प्लॉट एंड आर रेडी टू बी ब्लोन अवे इन 20 डिफरेंट वेज, देन फॉर श्योर यू शुड वॉच इट। पूरी मूवी में यू विल कीप वंडरिंग कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो एक काफी इंट्रीग रखेगी आपको एंड तक। कहीं कहीं थोड़ी स्लो है बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्लो नहीं होगी या प्लेन नहीं होगी तो एकदम हाइज का आपको इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आप देखो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, अगर एकदम हाई 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 चलती रहेगी तो पता नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा, मोनोटोनस नहीं हो जाएगा, तो फिर एकदम से सीन का इम्पैक्ट कैसे आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज माय ओपिनियन, आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना, आई एम गोइंग टू गिव इट अ 4.5/5, आप लोगों का देखो तो मुझे कमेंट्स में बताना कैसी है। This weekend, I think you should definitely watch this. And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, please like, share, comment and subscribe. जो भी हमारी तरह movie buffs हैं या जिनको भी ये वाली movie का वेट था, please उनके साथ ये वीडियो को जरूर share करो. Like, share, comment and subscribe. Instagram पे मुझे follow कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में. Bye.